बिहार में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हो सर्वदलीय बैठक, पप्पू यादव ने कहा। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। अहलेश्वर पूर्णे के सांसद पप्पू यादव मुकेश सहनी के पैतृक घर बिरोल पहुंचकर मुलाकात की। वहीं पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में सभी लोग इसके साथ हैं। इस कांड को लेकर कल हम लोगों ने एडीजी और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन करने को कहा है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस घटना को लेकर संवेदना व्यक्त किया है तथा इस घटना को लेकर काफी सीरियस है। वहीं उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर देश के हर एक दल के नेताओं ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कल सुबह 8 बजे मुकेश सहनी से हमारी बात हुई थी, उसके बाद हम दिल्ली से निकल गए। हमको रात में यहीं पर आना था, लेकिन विलंब होने के कारण सुबह 5 बजे पटना से निकले। निश्चित रूप से शासन और प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर हैं। वहीं पप्पू यादव ने बिहार में इस तरह की घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह बिहार में अपराधी माफिया लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं, यह गंभीर विषय है। इस पर बिना राजनीति किए हुए सभी दलों को एक साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों का ना कोई जाति होता है ना ही कोई धर्म। इसलिए बिहार के इस विषय पर निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक हो। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद यह विषय काफी महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। बताते चले कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए 4 संदिग्धों में से 2 को मृतक के ब्याज पर उधार में पैसे दिए थे। इसमें से एक आरोपी के बाइक को एक दिन पूर्व मृतक के गारंटी के रूप में रख लिया था, जिसको लेकर कहा सुनी हुई थी। वहीं पुलिस चारों संदिग्धों के मोबाइल कॉल हिस्ट्री सहित लेन देन की जानकारी जुटा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी सीसीटीवी फुटेज को जारी नहीं किया है। लगातार मुकेश जी के साथ संपर्क में है लोग। हम लोग कल एडीजी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, मुख्यमंत्री जी खुद अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं और इस घटना को सीरियस लिए हैं। देश के हर नेता, चाहे बिहार के लालू यादव जी हों, तेजस्वी जी हों, सभी लोग गहरी चिंता व्यक्त किए हैं। हम कल ही 8 बजे मुकेश बाबू से मेरी बातचीत हो गई थी, और चूंकि हम दिल्ली से चल दिए इनसे बात करने के बाद, और रात ही आना था जलाने में, लेकिन विलंब होने के कारण सुबह 5 बजे पटना से चले। निश्चित रूप से शासन प्रशासन सब लोग गंभीर हैं, लेकिन यह गंभीरता पूरे प्रदेश की गहरी चिंता है। अपराधी माफिया जिस तरीके से लगातार जो घटना घटित हो रही है, बच्चों की हत्या, बेटियों की हत्या, घटना पर घटना, यह गंभीर विषय है और इस पर बिना राजनीति के सब लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। ना इस दल ना वो दल, ना सत्ता ना विपक्ष, मर्डर मर्डर है, क्रिमिनल क्रिमिनल है। क्रिमिनल का ना कोई जाति होती है और ना हत्या का कोई जाति, धर्म और पार्टी होता है। इसलिए बिहार के विषय पर निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक हो, 13 दिन के बाद सबको बुलाया जाए और कैसे ये जो नेक्सस है अपराधी माफिया पदाधिकारी सभी लोग का, इससे कैसे बिहार को छुटकारा मिले, यह विषय है। मुकेश बाबू के पिता की हत्या के बाद यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है और इस पर एक कदम आगे बढ़ के काम करने की बिहार के लिए जरूरत है।